सपना है भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का, और अगर इन तीनों उद्देश्यों को हम एक ही माले में पिरोएं तो जो एक तीव्र गति नागर विमानन क्षेत्र में हमारी देसी एयरलाइंस ने पिछले 3-4 सालों में रेखांकित किया है, जब एक कठिन वातावरण से उभर के आए हैं, कोविड के वातावरण के उभर के आए हैं, मैं उन सबको अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और समय की ये मांग और पुकार है कि जो 80 के सदियों में एक चाहत थी रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टॉपेज की, आज 2020 की सदी में जब भारत एक अपनी 75वीं अमृत महोत्सव के से निकलकर अपने शताब्दी काल के प्रति अग्रसर हो रहा है, एक नवीन चाहत है देश की जनता के दिल में, एक सपना है कि विमान से वे अपना सफर कर पाए। पूरे देश के आम नागरिक प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी, उसी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। और आज जब बजट पेश हुआ संसद में, वित्त मंत्री जी ने स्वयं बजट में उल्लेख किया कि उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत आज देश के अंदर करीब करीब 1,35,00,000 यात्रियों ने हवाई सफर के आधार पर एक नया अनुभव लिया है जो पहले 10 साल के पहले कभी संभव न हो पाता। 2,50,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के आधार पर चली और आज उसी तारतम्य में एक नई उड़ान ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में, प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, पर मैं किरण भाई जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है पर हम लोग बड़ा गर्व लेते हैं, क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तो ये हम लोगों का भी अब नारा और हम लोगों की भी भावना है। तो ये उड़ान अकासा एयर प्रधानमंत्री जी के दोनों राज्यों को जोड़ रही, ग्वालियर को अहमदाबाद से जोड़ रही, और आपका अहमदाबाद किरण भाई सोलंकी जी केवल गुजरात की धरोहर नहीं, केवल देश की धरोहर नहीं है लेकिन विश्व की धरोहर है। अहमदाबाद की प्राचीनता, अहमदाबाद की औद्योगिकरण में एक नवीन लकीर जो खींची गई, राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू की, आपके शहर के अंदर जो प्राचीन मंदिर है, जो संस्कृति है, हमारे यहां उज्जैन का नेतृत्व, पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, पर उज्जैन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी और सिंधिया परिवार का भी एक हृदय का संबंध है। तो जो प्राथमिकता अहमदाबाद संस्कृति में रखती है गुजरात की, वही प्राचीनता और प्रमुखता उज्जैन रखती है मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर। तो आज इन दोनों शहरों को हम जोड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अकासा एयर को मैं दिल के गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये उल्लेख करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और ग्वालियर में बैठे हुए हमारे सभी महानुभव, ये पहला एयरलाइन है पूरे विश्व का जिसने 12 महीने के अंदर 2 प्लेन के साथ शुरुआत की और 12 महीने के अंदर एक्सपेंशन के जरिए 20 प्लेन तक ये लोग पहुंच चुके। एक साल में पूरे विश्व के इतिहास में किसी एयरलाइन ने 2 प्लेन से 20 प्लेन तक नहीं गए, जो अकासा एयर ने करके दिखाया। और पिछले हफ्ते ही एक नई एयरलाइन जिसका जन्म 1.5 साल पहले ही हुआ है, 150 नए विमान का ऑर्डर इन्होंने विंग्स इंडिया में स्वतः इन्होंने करवाया है, जो एक नया कीर्तिमान है।
तो अकाशा एयर को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। आज अकाशा एयर ने ग्वालियर को भी अपने मानचित्र पे जोड़ दिया है। ये अहमदाबाद की फ्लाइट दिन में एक दिवस चल रही है, पर मैंने निवेदन किया है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ही इसके कम से कम 2 दिवस होनी चाहिए हफ्ते में, और आने वाले समय में जरूर इसको बढ़ाए। ग्वालियर की क्षमता हम लोगों की केवल 2 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वही हमारा ग्वालियर 7 शहरों के साथ जुड़ गया है। बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और अयोध्या। और हमारी यही कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे इस गंतव्य से देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नई गति नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग तय कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे कनेक्टिविटी हो, जो 12 शहरों के साथ मध्य प्रदेश 2014 में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों में अब 21 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जहां 700 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता होती थी, आज वो बढ़ के जो 450 फ्लाइट्स होती थी, आज वो बढ़कर 1000 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता हो चुकी। और ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसे हम बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।